मैं अनुराधा शर्मा, आवाज़ न्यूज़ 24 से। तो आज हम वार्ड नंबर 41 में हैं, देवेंद्र सिंह जी जो कि प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से। तो सबसे पहले देवेंद्र जी, हम आपसे ये पूछेंगे कि अभी आप जैसे जन जन प्रचार कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता को क्या समस्या है सबसे ज़्यादा? देखिए, जन जन प्रचार भी किया और जन जन लोगों के पास में गए, घर घर हम लोग गए, फ्लैट में गए। लोगों को मूल सुविधाएं चाहिए होती हैं, सबसे पहले लाइट, पानी, बिजली, सड़क, पार्क की। तो अभी जो पिछले 2009 में 2014 में सड़कों का निर्माण हुआ, उसके बाद में 2014 के बाद में निर्माण बंद हो गया, सड़कें टूट गई, कहीं पे पानी की समस्या है और कई जगह तो पार्क बंद हैं। उनके लिए बार बार वो लोग हमें आग्रह करें कि आप जीतते ही सबसे पहले इन पे काम कीजिएगा। हमने उनको आश्वस्त भी किया, क्योंकि इससे पहले कार्यकाल तो 2009 से 2014 था, वो मेरी पत्नी मोहिनी कंवर का कार्यकाल था, उसको कार्यकाल को उन्होंने सराहा भी है। और कहीं ना कहीं जो इतना पार्ट समर्थन और मुझे जो विश्वास लोगों ने दिया है, वो उस कार्यकाल की वजह से दिया है। एक हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके जो विरोध में खड़े हुए हैं बीजेपी पार्टी से, तो उनका भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार हो रहा है, राइट? तो हमें लग रहा है कि मान लीजिए आपकी जीत होती है, तो जीत होने के बाद आपके जो लोग चाहते हैं कि लाइट लगनी चाहिए या सड़कों का जो गड्ढे हो रहे हैं वो भर जाने चाहिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए, तो आप उनकी खरी उम्मीदों पर किस तरीके से आप एक खरे उम्मीदवार की तरह उतरेंगे? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया ना कि 2009 का जो नगर निगम चुनाव था, उसके अंदर मेरी पत्नी मोहिनी कंवर ने वार्ड नंबर 10 था जब ये, उससे लड़ा। और उस टाइम जो वार्ड था वो उसके आधे चार भाग हो चुके हैं, आज उसके चार भाग चार वार्ड हो चुके हैं। उसके अंदर भी मैं दावे से कहता हूँ और लोग भी कहते हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे विकास काम नहीं हुआ, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ रोड का काम नहीं हुआ, कोई भी ऐसा पार्क नहीं बचा जिसका निर्माण हमने और उसका वापस सौंदर्यकरण ना किया हो। लाइटों की बात रही, उस वक्त की एक भी ऐसी चौराहे पे कोई लाइट नहीं बची और ऐसा कोई खम्भा नहीं बचा जिसके ऊपर हमने लाइट नहीं लगाई। तो विकास के नाम पे उन्होंने मुझे अब वापस चुनने का आश्वस्त किया है और वो मेरी पूंजी है, वो मेरा इनके पे मेरे ऊपर विश्वास है कि ये बंदा अगर वापस चुनाव जीत रहा है, हम इसको जिताते हैं, तो ये घर बैठने वाला नहीं है, ये काम करने वाला है। तो उस काम को देख के मुझे वापस ये लोग चुन रहे हैं। देखिए, अभी जब हम लोग सभी के इंटरव्यू ले रहे हैं, सभी प्रत्याशियों के, तो मेरा एक सवाल सभी से रहता है, तो आपसे भी मेरा एक सवाल है कि आप देख रहे हैं अभी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती है, महिलाएं हमारे यहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आप अपने वार्ड में महिलाएं और बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहेंगे? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है अभी इस देश के अंदर इस तरीके की घटनाएँ हो रही है, ऐसी ऊँची मानसिकता के लोग अभी भी इस हमारे परिवार के अंदर और कहें तो इस मानव के अंदर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात महिला के सुरक्षा की है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि महिला की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे हर चौराहे हर नुक्कड़ के ऊपर कोई ना कोई देवेंद्र सिंह खड़ा मिलेगा आपको। मेरे फ़ोन नंबर हर घर के अंदर हैं और हर घर तक पहुँचा दिए गए हैं और पहले से भी मौजूद हैं कि रात को 12 बजे हों, 1 बजे हों, 2 बजे हों, मुझे कभी भी फ़ोन करें, मैं तैयार हूँ, हर घड़ी हर क्षण के लिए तैयार हूँ। और बात सड़क के ऊपर चलेगी तो ऐसी घटनाएं मेरे वार्ड में तो ना तो पहले हुई है ना होने दूंगा, ना कोई इस तरीके की दिखेगी, तो उसका मैं कड़े ज़ोर से विरोध करते हुए उनको उनकी सलाखों तक पहुँचाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुराधा शर्मा, आवाज़ न्यूज़।